नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकृति शर्मा। साथियों, बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो कि मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। उनकी एक बड़ी इच्छा कि सर हम रिकवरी एजेंसी बनाकर काम करना चाहते हैं, और अगर हम रिकवरी एजेंसी नहीं बना पा रहे हैं तो हमें कोई ऐसा रास्ता बता दो कि हम रिकवरी एजेंट की जॉब कर लें। ठीक है, तो रिकवरी एजेंट की आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रिकवरी एजेंट की जॉब कैसे कर सकते हो। ठीक है, रिकवरी एजेंसी खुद ढूंढती है आपको, लेकिन बस आपको तरीका नहीं पता होता, इसीलिए आप रिकवरी एजेंसी की जॉब नहीं कर पाते। ठीक है, और आपको इसलिए रिकवरी एजेंट की जॉब नहीं मिल पाती। तो आज मैं आपको बहुत बड़े रास्ता बताने वाला हूँ जिससे आपको रिकवरी एजेंट की जॉब मिलने वाली है। ठीक है गाइस, देखो रिकवरी कलेक्शन एक ऐसा काम है जो कि हमेशा चलता है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एरिया में, हर सिटी में, हर स्टेट में यह काम अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि रिकवरी का काम जो होता है वो पूरा डिपेंड होता है बैंक के ऊपर। बैंक बैंक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है भाई, चाहे सिटी हो, चाहे कोई स्टेट हो, ठीक है भाई, कंट्री में हर में बैंक अवेलेबल होता है, क्योंकि बैंक के ऊपर ही काम होता है। और जहां बैंक होगा वहां लोन होगा, और जहां लोन होगा वहां रिकवरी का काम होगा। ठीक है, बस देखो दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत एक चीज में आती है जब हम काम ढूंढते हैं। ठीक है, देखो मैं हर अपनी वीडियो में ज्यादातर ये बात कहता हूँ कि अगर सफलता चाहिए आपको, अगर सफलता पानी है आपको, तो प्रयास सही दिशा में करो। ठीक है भाई, देखो एक कील होती है, जब उस पर आप डायरेक्ट चोट मारते हो तभी वो अंदर जाती है, अगर इधर और इधर चोट मारते हो तो वो कील टूट जाती है। ठीक है, तो आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। भाई रिकवरी का आप काम कैसे ढूंढ सकते हो, आप ये कैसे ढूंढ सकते हो कि भाई रिकवरी एजेंट की मुझे जॉब कैसे मिल सकती है। ठीक है भाई, देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है बैंक। ठीक है, आप बैंक में डायरेक्ट जाओ। ठीक है, बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी और प्राइवेट बैंक ऐसे होते हैं जहां पर रिकवरी का काम इन हाउस किया जाता है। इन हाउस मीन्स मतलब, इन हाउस का मतलब ये होता है कि आपका जो भी रिकवरी का काम है वो बैंक में ही किया जाएगा। जैसे छोटे छोटे बैंक होते हैं, छोटे बैंक क्या, एनबीएफसी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्राइवेट बैंक भी कह देते हैं कुछ, तो वो जो होते हैं वो काम करते हैं इन हाउस, क्योंकि उनके पास इतना देखो फंडिंग तो होती नहीं इतनी, तो वो क्या करते हैं, जो लोन के ही एजेंट होते हैं, जो मतलब लोन के ही जो काम करते हैं, मतलब ये मान के चलो जो उनकी ब्रांच के एम्प्लॉय होते हैं ना, कुछ उन्हीं एम्प्लॉय के बीच में से कुछ ऐसे लड़के छाट लेते हैं जो थोड़े धाकड़ टाइप के होते हैं, और उनसे रिकवरी करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। या तो आप ये सर्च करो कि भाई आपको इन हाउस रिकवरी किस किस बैंक में है, किस किस एनबीएफसी कंपनी में, किस किस प्राइवेट बैंक में है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं प्रॉपर इस पे वीडियो बना दूंगा, कौन कौन सी पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा आपको कि भाई कौन कौन से बैंक इन हाउस रिकवरी करवाते हैं। ठीक है, मैं पहला ऑप्शन हो गया ये। दूसरा ऑप्शन, बहुत सारे साथी मेरे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक की रिकवरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बैंक में रिकवरी एजेंट बनकर काम करना चाहते हैं। उनके लिए सबसे बढ़िया काम मैं बताने वाला हूँ भाई, उन्हें क्या करना है, उन्हें भी यही सीधा सा फंडा अपनाना है, डायरेक्ट बैंक में जाना है। ठीक है, बैंक में जाना है, मैनेजर से मिलना, अगर मैनेजर की ब्रांच है या चीफ मैनेजर की ब्रांच है उनसे जाके मिलिए, उनसे ये पता कीजिए कि आपके बैंक में सर रिकवरी कौन सी कंपनी कर रही है। ठीक है, ज्यादातर केस में मैनेजर आपको समझा देंगे कि भाई हमारी जो ब्रांच है उसमें ये मैनेजर वो सॉरी ये रिकवरी एजेंसी काम कर रही है। ठीक है, आपको उसके जो कॉलिंग पर्सन है, ठीक है, या तो अगर डायरेक्टर हैं तो उनका नंबर ले लीजिए, अगर कोई और किसी और का कॉलिंग पर्सन नंबर है तो आप उनका नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बात करके सीधा आप कहिए कि सर मेरे पास टीम है, मुझे आपके साथ काम करना है। हर रिकवरी एजेंसी के ओनर को ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो रिकवरी कर सकें, क्योंकि रिकवरी का काम ऐसा होता है कि इसे आप कितना भी बढ़ा सकते हो, ये खत्म नहीं होता, एक बार बस देखो मिलना चाहिए काम, इसे आप कितना ही बढ़ा सकते हो। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका मैं एक और बताता हूँ गाइस आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको बैंक में जाके भी आपको काम नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सी रिकवरी एजेंसी कहाँ है, कैसे है, क्या है, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, आप जिस बैंक की रिकवरी का काम करना चाहते हो,
सपोज दैट आप पीएनबी का कर रहे हो, यूनियन बैंक का कर रहे हो, आप एसबीआई का कर रहे हो, आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन उनके जो भी उनका पेज है उस पे ऑफिशियल पेज के ऊपर जाइए, वहां पर सभी एजेंसी का डाटा पड़ा होता, ठीक है, चाहे वैल्यूएशन का हो, चाहे रिकवरी का हो, ठीक है, चाहे लीगल वाले का हो, सबका डाटा उस पेज पे आपको प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इजी है, तो आप बैठे बैठे आप सिस्टम पे बैठ के पता कर सकते हो। उसमें क्या होता है, उसमें एक तो जो पार्टी है, तो सॉरी मतलब कि जो ओनर है उस कंपनी का, उनका नंबर होगा और साथ में नंबर तो होगा और डायरेक्ट उनका ऑफिस भी होगा, ठीक है। स्टेट वाइज ये होगा, आपके स्टेट में जो, जैसे भाई आप यूपी के हैं, आप उत्तराखंड के हैं, आप दिल्ली के हैं, आप एमपी के हैं, जहां के भी आप हैं, वो आपको स्टेट वाइज दिखा देगा कि भाई उत्तर प्रदेश का है ये, मध्य प्रदेश का है ये, दिल्ली का है ये, उत्तराखंड का है, इस तरीके से वो उसमें सब चीज शो हो जाएगी। तो ये चीज बहुत अच्छी है गाइज, आप घर में बैठे बैठे भी रिकवरी की एजेंट की जॉब पा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें, हमारे साथ जुड़ जाना, ठीक है, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे ऐसे कंटेंट ढूंढने में, और आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइज़।